नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर, नमस्ते। हाँ हेलो। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, अपना एक जानकारी चाहिए थी। परिचय बताइए। ये देवेंद्र राजपूत बोल रहा हूँ शाहजहांपुर से। तो आपका व्यक्तिगत परिचय हुआ, जी सर, हमें एक जानकारी चाहिए इसमें थी। क्या जैसे है बीएड हम का? बीएड पास हूँ, क्वालिफाइड हूँ अच्छा सर। हमने बीएड, 2018 में किया था और 2018 में ही हम टेट क्वालिफाई हैं। बीएड आपने कंप्लीट किया है 2018 में, जी यानी एडमिशन लिया होगा आपने 2016 में जी 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 एंड और 18 में ही टेट मतलब पास कर टेट दिया। क्वालिफाइड। हाँ ठीक है। तो सर, मतलब हमने सुना है कि 2018 तक के जो नया शिक्षा नीति आई है उसमें सभी बच्चे जो 2018 तक क्वालिफाइड हैं टेट, उनको मेरिट के हिसाब से जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अकॉर्डिंग टू, मतलब जो बच्चे मतलब टेट क्वालिफाइड हैं उनको सबको में ले लिया जाएगा। जी मतलब ट्रू है, मतलब नहीं है, फॉल्स है। जो आपने सुना है ये अभी थोड़े समय बाद जो है स्टार्ट होगा तो सामने आ जाएगा, आपको दिखेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें करेक्शन करना होगा, समझने में थोड़ा सा आप जो है वो समझे नहीं है ठीक से। होना तो है लेकिन मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, पूरे देश में लागू हुई, उसके तहत जितने भी विद्यालय हैं पूरे भारत में उनमें एक नई योजना केंद्र सरकार लेकर आने जा रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना। तो उसके तहत जितने भी विद्यालय हैं उनमें शिक्षक रखे जाएंगे। यूपी के अंदर करीब करीब 1,57,000 विद्यालय हैं, तो हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत करीब करीब 8 लाख टीचर होने चाहिए। वर्तमान में 2 लाख से भी कम है परमानेंट टीचर, तो 6 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत वर्षवार नियुक्ति करने जा रही है। तो यूपी सरकार करीब करीब 3 लाख पद पर पहले चरण में भरने की तैयारी कर रही है, तो वर्षवार होगा। पहले चरण में करीब करीब 3 लाख के आसपास लिया जाएगा, और आप जब आंकड़े उठाकर देखेंगे तो 3 लाख कैंडिडेट जो है उनको चाहिए, तो वर्षवार चलेंगे तो 2011 से 2018 तक के लोग उसमें आ जाएंगे। जी। तो योजना आने जा रही है हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसके तहत जो है वर्षवार नियुक्ति होगी, न कि 11 से 18 वालों को लेने के लिए कोई चीज स्पेशल गवर्नमेंट करने जा रही है। बात तो सही है जी लेकिन थोड़ा सा आपको वो समझना होगा, जो योजना आ रही है उसके तहत आपको लिया जाएगा। तो पहले चरण में 2011 से 2018 तक जो भी टेट पास हैं, बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, सबको लिया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जो बीएड का गजट रद्द हुआ है, जानकारी होगी आपको, वो 18 अगस्त को रद्द हुआ, वो गजट आने जा रहा है। 4 तारीख से संसद जो है सत्र आरंभ हो रहा है, इसमें उम्मीद है कि जो है बिल पास होना है, वो बिल पास हो जाएगा, उसके बाद नया गजट आ जाएगा, उसके बाद जो है केंद्र सरकार ये घोषणा करेगी योजना की, हर कक्षा में शिक्षक योजना जी। उसके तहत लिया जाएगा। अच्छा जी सर। और जो मतलब जो हमारे हमारे अकॉर्डिंग टू, मतलब जो बीटीस, मतलब जो नहीं भी अपने यहाँ पर जो नए प्राइमरी स्कूल हैं उसमें जो शिक्षा मित्र हैं उनका क्या मैटर रहेगा इसमें? जो नई टीजीटी पास हैं या पास हैं उनका क्या होगा? जो शिक्षा मित्र हैं उनमें जो टेट पास हैं प्राइमरी वाला, तो उनको तो हर कक्षा में शिक्षा योजना जब ये स्टार्ट होगा तो पूरे भारत में 5.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, उनको परमानेंट किया जाएगा जैसे उत्तराखंड में किया गया वैसे ही। तो जो टेट पास हैं वो तो रहेंगे प्राइमरी में, जो टेट पास नहीं है उनको प्राइमरी से निकाला जाएगा, और जो आंगनबाड़ी है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी में, तो उनको वहाँ लेकर के जाएंगे प्री प्राइमरी में जो टेट पास नहीं है। अच्छा, लेकिन कुछ सैलरी में कुछ मतलब अप डाउन होगा क्या? सैलरी अप डाउन थोड़ा ही होता है, सैलरी तो वेतनमान जो होता नहीं है जो सर, जो उसके इस अनुसार टाइम मिलता है। जो आप इस समय मौजूदा हालत में इस टाइम जो वो 10,000 रुपये मिल रही है शिक्षा मित्र वालों को यूपी के क्या अंदर। क्या वर्तमान में उनको सैलरी मिल रही है? हाँ श्योर है आपकी सैलरी मिल रही है या मानदेय? जो भी मानदेय मिल रहा है
अभी परसेंट हो या एक मिनट एक मिला। मिनट, पहले आप खुद कंफ्यूज हैं, सैलरी और मानदेय का फर्क नहीं जानते हैं क्या? जी सर जानता हूँ, तो फिर शब्दों में क्यों जो है गड़बड़ी कर नहीं रहे हैं? सर पहले सैलरी बोल देंगे, सैलरी तो नहीं परमानेंट नहीं मिलता है, हाँ पहले हाँ सैलरी परमानेंट में तो मानदेय जो होता है ना तो जब वो वो परमानेंट होंगे तो उनको उनका सैलरी पद। मिलेगी। जी, तो वो सहायक अध्यापक का पद जब ले लेंगे, सहायक अध्यापक बना दिया जाएगा, तो उनको मानदेय तो देंगे नहीं। नहीं तो आप पढ़े लिखे हैं, इतनी तो समझदारी है ही आप में कि सैलरी और मानदेय में फर्क है। अभी वो संविदा कर्मी है तो मानदेय मिल रहा है, और जब बात हम सर लोग कर रहे हैं कि जो है जैसे उत्तराखंड में हुआ सहायक अध्यापक बनाया गया, यूपी में भी सहायक अध्यापक बनाए जाएंगे हर कक्षा में शिक्षा योजना के तहत, तो जब सहायक अध्यापक बनेंगे तो मानदेय तो मिलेगा नहीं, तब तो फिर उस पद का सैलरी मिलेगा। जी अखिलेश सर सरकार में समायोजन हुआ था, वो समायोजन हुआ था ये थोड़े कि वो शिक्षा मित्र ही थे, खाली वेतन बढ़ गया था, वो सहायक अध्यापक बने इसलिए सहायक अध्यापक वाली सारी सुविधा मिलने लगी। अच्छा और जैसे ही सर सहायक अध्यापक से वापस आए, कोर्ट ने रद्द किया, शिक्षा मित्र बने, तो वो सारी सुविधाएं उनसे छीन ली गई। जो जिस पद पर रहा, अब वो जिस पद पर आ गए शिक्षा मित्र वाले, तो वहां मानदेय मिलता है, जी तो सर मानदेय जी मिलने सर लगा। तो कभी भी सैलरी और मानदेय को मिक्स मत कीजिएगा, बहुत बड़ा फर्क है। जी हाँ सर आई नो ठीक सॉरी सर ठीक है सैलरी सर सैलरी शब्द जहां आ जाएगा वहां परमानेंट की बात हो रही होगी। जी भले कोई सर बोलने को बोल दे जी अज्ञानता में, वो अलग बात है कि लोग बोल देते हैं, नहीं एक लेकिन बहुत मतलब फर्क है। सर बात ये है सर, मैं कोई शिक्षा मित्र नहीं हूँ, बट मैं आया मतलब बीएड मतलब क्वालिफाई हूँ, टेट पैट में क्वालिफाई 2018, लेकिन जो एक कोई शिक्षा मित्र बोल रहा था मेरी सैलरी 10,000, तो कोई मेरे को ध्यान ना, तो मैंने बोल दिया अगर सर। उन्होंने उन्होंने सैलरी शब्द यूज किया है तो उनका जो है जो सेंटेंस है उसको आप जो है करेक्शन कराइए, उनको बताइए भैया अभी सैलरी आपको नहीं मिलती, अभी आपको मानदेय मिलता है, जब आप सहायक अध्यापक बन जाइएगा, राज्य कर्मचारी बन जाइएगा, तब सैलरी की बात कीजिएगा। नहीं सर वो बात मुझे पता है, वो हमने आपसे गलत बोल दिया, क्योंकि हमें पता था ही ना कि जो लोग अभी परमानेंट नहीं अभी संविदा पे हैं, इसलिए क्या कि इन्हें 10,000 मिल रहा है ना, जो भी को हमेशा ध्यान नहीं रहा ना। हाँ जी अच्छा, तो 10,000 अभी मिल रहा है, ये मानदेय है, जब ये सर सहायक अध्यापक मालूम बन जाएंगे तो सैलरी मिलेगा। सैलरी और मानदेय में फर्क ये होता है कि मानदेय जो होता है वो फिक्स होता है, जी सर वो लंबे समय तक वही बना रहता है, कोई इंक्रीमेंट वगैरह नहीं होता है, जब गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो बढ़ेगा, नहीं तो अपने से नहीं बढ़ता। और जबकि सैलरी में क्या है, सैलरी में इंक्रीमेंट होता है हर 6 महीने पर, 1 साल पर, बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं, जी सर लगातार बढ़ता रहता है, जी सर उसमें जो है गवर्नमेंट को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, जो नियम बने हुए हैं उनके तहत वह वृद्धि होती रहती है। और मानदेय क्या है, आज 10,000 है, अगले 5 साल 10 साल तक गवर्नमेंट अगर नहीं बढ़ाएगी मानदेय तो वही 10 ही हजार मिलता रहेगा। जी सर तो जहां मानदेय की बात आ जाए तो कंफर्म हो गया कि वो परमानेंट कर्मचारी नहीं है, राज्य कर्मी नहीं है, वो संविदा कर्मी है। जैसे बिहार जी में नियोजित शिक्षक हैं, तो उनसे जब भी बात होती है किसी की भी, तो वो कहते थे कि हम तो भाई जो है सरकारी मास्टर जी हैं और हमारा जी इतना मानदेय है, तो एक तरफ अपने आप को सरकारी परमानेंट भी कहते थे, एक तरफ मानदेय की बात भी करते थे, और मानने को तैयार नहीं होते थे कि हम जो है संविदा कर्मी हैं, जी लेकिन जो है मानदेय उनका फिक्स रहता था। अब जब बीपीएससी वहां करा रही है भर्ती, अब जो है परमानेंट टीचर रखे जा रहे हैं, अब उनको समझ आया कि परमानेंट क्या होता है और नियोजित शिक्षक क्या होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को रहता है कंफ्यूजन, खैर कोई बात नहीं। चलिए तो और कुछ, नहीं सर नहीं। चलिए और अगर सर कुछ इसकी जानकारी है, जो टीजीटी पीजीटी जो पढ़ा हुआ था 2009 मतलब 2019 वाला, उसका कोई एग्जाम का पता है सर क्या, कब होगा कब नहीं होगा? यूपी में एक नया आयोग गठन किया जा रहा है, शिक्षक सेवा चयन आयोग, आपको है जानकारी? जी सर हाँ पता था उसका, पता था मतलब 2-3 बार मैंने देखा था ये मतलब उसमें पेपर में, तो ऐसे में पता लगा था कि हाँ कि अभी तो नहीं नया मतलब गठन होने वाला है, उसमें पर्याप्त तो भी मतलब पता नहीं क्या नहीं टीचर्स नहीं है, पता नहीं क्या क्या वैल्यू है उसकी, भी एग्जाम लेट हो रहा है डिले। जी कोई भी जानकारी अधूरी रखेंगे तो जो है कुछ नहीं समझ में आएगा, पूरी जानकारी रखिए, आज अखबार पढ़ लीजिएगा, आज के अखबार में भी न्यूज़ आया है। जी अभी आयोग जो है वो कैबिनेट से पास तो हो चुका है, सदस्यों का जी चुनाव होना है, गठन होना है, तो जिसकी वजह से रुका हुआ है, और आज अखबार में न्यूज आई है, अब होने जा रहा है, फिर भी मान जनवरी कर चलिए कि जनवरी में हो जाएगा। इसी में हो कारण जाएगा। से, हाँ इसी कारण से जो पुरानी भर्तियां उनको भी रुका गया था, नई भर्ती भी नहीं आ रही थी, अब जब ये आयोग बन जाएगा तो फिर जो है ये सारी भर्तियां यही करेगा, एग्जाम यही कराएगा।
नहीं पक्का सर, ये मालूम है कि आपको मतलब कंफर्म है जनवरी नहीं फरवरी में हो जाएगा पक्का डीजीटी भाई पीजीटी। जो न्यूज एग्जाम की हम बात नहीं किए हैं, आयोग गठन की हम बात किए हैं। आयोग गठन जो है अनुमान है कि जनवरी में हो जाएगा। अगर जनवरी लेट होता है तो मान के चलिए 1 महीना और, तो हाँ जनवरी फरवरी फरवरी तक, मार्च तक हो जाएगा, उसके उसके बाद बाद, लेकिन उसके बाद इलेक्शन हो यही जाए। आयोग जो है एग्जाम वगैरह कराना शुरू कर देगा। जी फिर डेट जब भी रखेगा उस डेट पर जी होगा एग्जाम। तो तैयारी अपनी रखिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो। जी सर, मैं यहाँ कोचिंग कर रहा हूँ इलाहाबाद में, मतलब 3 साल हो गया है पीजीटी चक्कर में। तो जम करके 1-2 महीना तैयारी कर दीजिए। 1-2 महीने के बाद जैसे ही एक आयोग गठन होगा, डेट कभी भी आ जाएगा। अब डेट हो सकता है कि मार्च में आ जाए, हो सकता है कि 2-4 महीना और लग जाए, लेकिन होगा। अगर जल्दी आ गया तो फिर समय कम है ना, तो तैयारी जम ठीक करके एकदम कीजिए। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, चलिए थैंक यू रखें सर। फिर। वेलकम। हाँ ठीक, थैंक यू सर।